हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल फिल्मी बॉक्स ऑफिस पर। तो बात करेंगे आज इस वीडियो में एक बार फिर से सलमान खान की अपकमिंग फिल्म टाइगर 3 को लेकर। टाइगर 3 द फाइनल मिशन फिल्म का पूरा टाइटल है। ये फिल्म आज रिलीज होनी थी ईद के मौके पर, लेकिन ये कहूँ या फिल्म की शूटिंग स्टार्ट नहीं हुई, बोले तो शूटिंग कम्प्लीट नहीं हुई, या फिर ये कहूँ ये फिल्म पोस्टपोन हुई है जस्ट बिकॉज ऑफ पठान, क्योंकि इस फिल्म की कंटिन्यू जो स्टोरी है वो की जाएगी पठान के आगे से। यानी कि आप कह सकते हो इन शॉर्ट ये पठान की सीक्वल होगी या फिर टाइगर सीरीज तो है ही है। रीडिंग में आपको नजर आएंगे सलमान खान बतौर टाइगर, वहीं इस फिल्म में ISI एजेंट के तौर पे, या फिर ये कहे पाकिस्तानी एजेंट पाकिस्तानी टाइगर के तौर पर नजर आएंगे इमरान हाशमी। और हमेशा की तरह एक बार फिर से आपको नजर आएंगी इस फिल्म में अपोजिट फीमेल लीड एक्ट्रेस कैटरीना कैफ। जी हाँ, डायरेक्शन दिया मनीष शर्मा ने। और बात करें फिल्म को लेकर, तो फिल्म आज शेड्यूल कर दी गई है 2023 ईद के लिए। जी हाँ, ये फिल्म ईद पर ही रिलीज होगी, लेकिन 2023 में। अब ऐसे में जानेंगे कि फिल्म कितना कलेक्शन कर रही है, बजट क्या है। तो इसको प्रोड्यूस किया है यशराज फिल्म्स ने, जहाँ पर इसका बजट बताया जा रहा है तकरीबन 200 से 250 करोड़ प्लस। तो बस जानेंगे ये फिल्म हिट होगी या फिर फ्लॉप। तो आपको बता दूँ ये फिल्म ऑलरेडी अपने 50% बजट की रिकवरी कर चुकी है, जहाँ पर इसके डिजिटल राइट्स ऑलरेडी एक्वायर कर लिया है अमेजोन प्राइम ने 100 करोड़ रुपए में, जो कि अपने आप में बहुत बड़ी डील है। एक्चुअल में ये डील हुई है 200 करोड़ रुपए में पठान और टाइगर श्रॉफ के, बोले तो टाइगर सीरीज का जो थर्ड पार्ट है, इन दोनों मूवीज़ के राइट्स बिकने के बाद। अब ऐसे में बात करें कलेक्शन को लेकर, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि ये फिल्म बन सकती है सलमान खान के करियर की हायर ओपनर फिल्म, और कमा सकती है अपने पहले ही दिन 35 से 40 करोड़ रुपए कम से कम इंडिया नेट से। बोला आपकी ओपिनियन क्या है टाइगर 3 को लेकर, आपको क्या लगता है कितना कलेक्शन करेगी। जो भी आपकी राय हो मेंशन कीजिएगा कमेंट सेक्शन में, और वीडियो आपको पसंद आई हो लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, बाय बाय, टेक केयर।